नमस्कार। और आज वक्त आ गया है आपको वेस्टी वेस्टी के उस पार श्रृंखला की पहली कड़ी से मिलवाने का। नवरात्रि खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे तो सोचा आज ही शेयर कर देती हूँ। कल नवमी पूजा होगी, बहुत सारे काम होंगे तो कल शायद नहीं हो पाएगा। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ ललिता जी के खूबसूरत गार्डन से। और कल की वीडियो में एक बहुत जरूरी बात मिसिंग थी। वीडियो कितनी देर का भेजना है ये सब बता दिया था, कैसे भेजना है सब कुछ मैंने बताने की कोशिश करी थी, पर एक छोटा सा पॉइंट रह गया था। और छोटा सा पॉइंट ये था ना कि वीडियो जब भी आप बनाएंगे लैंडस्केप मोड में आपको वीडियो बनाना है, यानी कि आप फोन पकड़ेंगे और फोन से कुछ इस तरह से शूट करेंगे। जब भी आप वीडियो बना रहे हैं तो बस फोन को आप इस तरह से पकड़ेंगे, फोन को आप इस तरह से नहीं पकड़ेंगे तो और कोई समस्या नहीं आएगी। बस जैसा कि कल मैंने बता दिया था कि वीडियो को 5 मिनट से ज्यादा लंबा ना करें। गार्डन छोटा है तो और भी छोटा कर सकते हैं, या फिर आपका गार्डन बड़ा है तो इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से ना मेरे साथ साथ आप लोग भी मिलिए ललिता जी से और ललिता जी के खूबसूरत गार्डन से। नमस्कार, मैं ललिता भाटिया अलवर राजस्थान से। आइए आज आपको गार्डन की सैर कराती हूँ। वैसे हमारे अलवर में पानी की बहुत शॉर्टेज है, इस टाइम पेड़ पौधों की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से मैंने अपने गार्डन को सजाया है फूलों से, बड़े बड़े पेड़ों से, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे पर्सनल के फ्लावर हैं जो मैंने एक ही लाइन में सारे 6 से 7 गमले हैं सेट कर रखे हैं, और साथ में ही बीच में एलोवेरा और पर्पल हार्ट भी लगा रखा है। ये जब ऐसे एक साथ खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ऊपर मैंने जुगाड़ू बेस्टी की वीडियोस देखकर कई बॉटल्स में अपने पौधे लगाए हैं। पहले मैं सोचती थी शायद इन छोटी बॉटल्स में पौधे अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब मैंने इनकी वीडियो देखी तो मुझे कुछ आइडिया मिला और मैंने भी अपनी सारी बोतलें जो घर पे पड़ी होती हैं वेस्ट मटेरियल की कटिंग करके इसमें अपने पौधे लगाए और वो अच्छे ग्रो करे हैं और मौसम के अनुसार उसमें अच्छे भी फूल निकले हैं। आप भी देखिए ये मेरा नया फ्लावर प्लांट, ये मेरी टूटी हुई बाल्टी में एक पौधा लगाया मैंने जो कितना फैल गया। ये पत्थर चट्टे का पौधा, पर्पल हार्ट, ये पूरी मेरी लाइन इस तरह से एक मैंने साइड पे ये पूरा एक अपना छोटा सा गमला, वर्टिकल गार्डन बोल सकते हो इसको, लगा रखा है। कट्टे में भी मैंने कुछ पौधे लगाए हुए हैं जो अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुए हैं, बट ये बॉटल्स में काफ़ी फूल आए हुए हैं। कितनी छोटी छोटी बॉटल में भी अच्छे ग्रो कर जाते हैं। आप भी कुछ इस तरह से अपने कटी हुई बॉटल्स में अपने पौधे ग्रो कर सकते हैं। ये मुझे आइडिया इन्हीं की वीडियो देख के मिला। इनकी वीडियो मैं बहुत देखती हूँ और जैसे भी मुझे आइडिया मिलता है मैं उसको फॉलो करती हूँ। ये मेरे करेले की बेल है, देखिए इस पर भी करेले आए हुए हैं। मेरे घर पर अमरूद का भी पेड़ है और मीठी नीम का भी पेड़ है। ड्रम स्टिक तो हमने बाहर सड़क पे लगा रखी है। ये मेरा गुड़ैल का पौधा जो अब पेड़ बन चुका है, कटिंग से लगाया था। ये मीठी नीम, इसी के साथ देखिए इस बुद्धा प्लांटर में मैंने सिंगोनियम लगाया है, और ये बच्चों के जो पुराने पेन होल्डर थे उसमें कुछ इस तरह से पर्पल हार्ट्स लगाए हैं। ये अमरूद का पेड़ है, साथ में मीठी नीम। जो हमारे तो काम आती है, साथ में आस पड़ोस वाले को भी काम आती है। काफ़ी लोग आकर हमारे घर से मीठी नीम ले जाते हैं। साउथ इंडियन खाने में आप लोगों को मालूम है इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ये मेरा एसी का एक बॉक्स निकला था, उसमें मैंने सिंगोनियम लगाया है। ये मेरी हैंगिंग बास्केट है, कुछ इस तरह से इसमें मैंने पौधे लगाए हुए हैं। और ये मैंने कैन काट के इसमें भी पौधे लगाए हैं। ये बॉटल्स के अंदर वाइट कलर की बॉटल्स को पेंट करके उसमें
पर्पल हार्ट लगा दिया। और ये मेरा पुई साग का पौधा है जिसको मालाबार स्पिंच कहते हैं। इसकी भी हम सब्जी घर पे खूब बनाते हैं। ये कैन काट के मैंने खुद ही पेंट किए, कुछ इस तरह से तीनों साइड से इसको डेकोरेट किया है। उम्मीद है आपको मेरा ये गार्डन पसंद आया होगा। धन्यवाद। अब यहाँ पर ललिता जी का गार्डन हो गया था, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और जो भी आपके सवाल जवाब होंगे आप लोग कर सकते हैं सीधा ललिता जी से। और साथ ही साथ आप सभी लोगों से भी एक गुजारिश है कि जितने प्यार से ललिता जी ने अपने गार्डन को सजाया है ना, तो उनका उत्साह वर्धन करने में कोई भी कमी न छोड़े, ऐसी आप सभी से उम्मीद है। जल्दी हाजिर होंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विश आप सभी लोगों को ये श्रृंखला जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि सभी के काम की है और सभी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल। और यहाँ पर गार्डन शेयरिंग का पर्पज ये नहीं है कि सिर्फ गार्डन का मैं व्यू दिखाना चाहती हूँ, मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा समस्याएं हम लोग सुलझा सकें बहुत सारे लोगों के द्वारा उनके खुद की जुबानी सुन के। और जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप भी खुश रहें, आपका गार्डन भी खुश रहे। थैंक यू।